हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फर्स्ट क्लास फॉर ग्रुप टू एडवांस अकाउंटिंग बेटा जी ग्रुप टू में जो आपका एडवांस अकाउंटिंग है वो है आपका पेपर नंबर फाइव पेपर नंबर फाइव एडवांस अकाउंटिंग बेटा जी मैं आपको बता दूं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन ग्रुप टू आपके ग्रुप टू में बेटा अगर देखी जाए तो ऑल इंड ऑल चार सब्जेक्ट्स हैं एक आपका एडवांस अकाउंटिंग है एक आपका एफ एन एम ईको है और आपका एफ एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है और एक आपका ऑडिटिंग है और ई आई एस एस एम है तो अगर ओवरऑल देखी जाए बात तो बेटा जी आपके एडवांस अकाउंटिंग सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मोर ओवर प्रैक्टिकल ही है एफ एम में एफ एम प्रैक्टिकल है इकोनॉमिक्स में थ्योरी है एडवा ऑडिट अप, अपना थ्योरी है पूरा ई आई एस एस एम थ्योरी है तो बेटा जी इस ग्रुप में अगर आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा वाला तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो कर सकते हैं वो है एडवांस अकाउंटिंग और ठीक है तो हमने इन सब्जेक्ट्स को पूरे अच्छे से प्रिपेयर करना है हमारी प्रायोरिटी होने चाहिए ये सब्जेक्ट्स ताकि ये हमें थ्योरी वाले पेपर्स जिनमें हम कभी कभार सो जाते हैं उनके जो मार्क्स में अगर थोड़ी बहुत ही भगवान ना करे कमी आए तो वहां हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो रखे एडवांस अकाउंटिंग हिस्टोरिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है ओवर द ईयर इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर कई सारे चेंजेस करे हैं कई सारे चैप्टर्स हटाए है, हैं कई एड किए हैं ठीक है अब आलम ऐसा है बेटा कि एडवांस अकाउंटिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है ग्रुप टू में जो अकाउंटिंग है वो थोड़ा पेल हो चुका है ग्रुप टू में अकाउंटिंग है फर्स्ट ग्रुप में जो ग्रुप वन में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका पेपर नंबर वन वो थोड़ा आसान सा सब्जेक्ट हो रखा है उसमें इतना मजा नहीं है अब क्योंकि उधर के सारे इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने ग्रुप टू में एडवांस अकाउंट्स में डाल दिए ठीक है, है ना और एडवांस अकाउंट्स में एक दो बहुत ही रिडिकुलस चैप्टर्स थे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस वो हटा दिए ठीक है ना तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा है हमारे लिए सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए ये सब्जेक्ट तो इसको हम शुरू करेंगे सबसे पहले मैं आपकी नज़र इसके सिलेबस पे डलवाना चाहता हूँ मैंने सिलेबस खोल रखा है ऑलरेडी ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने निकाला है सी से ग्रुप टू पेपर नंबर फाइव एडवांस अकाउंटिंग ठीक है ना तो सबसे पहले देखो हमारे पास ए एस है कुछ जो हमने करने हैं अगर कुल मिला के देखें तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ए एस हैं तेरह ए एस हैं जिसके अंदर अगर आप कहें चार पांच ए एस फोर ए एस फाइव और अपना इसमें से और एक हटा दो तो एस ट्वेंटी नाइन भी इजी है तो मतलब ए एस फोर ए एस फाइव ए एस ट्वेंटी नाइन ये काफी ईजी है छोटे छोटे हैं बाकी तो थोड़े ठीक ठाक ठीक ठाक हमारे हैं ए एस फोर्टीन हम अमेल्गमेशन के साथ ही कर लेंगे तो ये हमारे ए एस पोर्शन है फिर उसके बाद आते हैं कंपनी अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स में देखो अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान एक चैप्टर है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एक चैप्टर है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एक चैप्टर है फिर रीऑर्गेनाइजेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है तो अकाउंटिंग फॉर अमेलमेशन है एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन इसके अंदर आपका वही ए एस फोर्टीन आ जाएगा और अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज फिर उसके बाद बैंकिंग कंपनीज है बैंकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे फाइनल के एफआर की एक फाउंडेशन रखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि फाइनल के एफआर में हमारे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी वाली आनी है तो अभी बेसिक बेसिक पढ़ लेंगे ताकि फाइनल में जाके हमें ज्यादा मुश्किल ना हो और उसके बाद है हमारा पार्टनरशिप पार्टनरशिप में हमारा डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स

पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है ना इज दैट क्लियर ए एस है कंपनी अकाउंट है और पार्टनरशिप अकाउंट है मोटा मोटा देखो ना यही है और एक अपना बैंकिंग है और कंसोलिडेशन ठीक है कोशिश हम यही करेंगे कि जो भी टॉपिक शुरू करें बेटा वो टॉपिक पूरे अच्छे से करें और उस टॉपिक के बारे में जितनी बातें हैं वो सारी पढ़ें पहले फिर उस टॉपिक के बाद में चलें ठीक है तो अभी मैंने आपको क्या शुरू कराना है ये भी देख लेते हैं कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे हम आज ठीक है ना तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं कंपनी अकाउंट्स में हमारे पास स्पेशल आस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट में एक तो है अकाउंटिंग फॉर ई स्टॉक ऑप्शन प्लान एक है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज ये ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है ये छोटे छोटे चैप्टर है बाय ऑफ सिक्योरिटीज आपका मैक्स टू मैक्स हद मार के दो नहीं तो तीन क्लास में खत्म हो जाएगा ई भी आपका तीन क्लास का ही है ठीक है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आसान आसान चैप्टर्स हैं लेकिन पेपर में इनके क्वेश्चंस जरूर आते हैं तो वो भी हमें ध्यान रखना है ठीक है ना तो अकाउंटिंग फॉर इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज है और शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स है तो ये शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट तो बहुत ही छोटा चैप्टर है ठीक है तो सर आज हम क्या शुरू करने वाले हैं तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स में बेटा बाय बैक ऑफ शेयर ठीक है इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसमें जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर फोर है वो उन्होंने कंबाइंड बना रखा बाय बैक ऑफ शेयर एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स तो यहां पे एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ठीक है ना एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट क्लियर है चलो तो आज हमने इसमें क्या टॉपिक शुरू करना है बाय बैक बाय बैक ऑफ शेयर पढ़ेंगे बेटा आज हम एक्चुअली बाय बैक ऑफ शेयर में बाय बैक आप कोई भी शेयर्स का कर सकते हो या सिक्योरिटीज का कर सकते हो कुछ भी अलाउड है लेकिन पहले हम जो प्राइमरली पढ़ाई करेंगे वो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की करेंगे ठीक है तो अभी इक्विटी शेयर्स के बाय की बात कर रहे हैं वैसे तो आप पूरे चैप्टर में किसी भी तरह की सिक्योरिटी की, की बाय कर सकते हैं बेटा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब सवाल ये उठता है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है क्या कंसर्न होता है बेटा जी देखो बाय बैक ऑफ शेयर्स जो है बाय बैक ऑफ शेयर्स इज बेसिकली द कंपनी बाइंग बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक मतलब क्या है कि आप जनरल पब्लिक के पास जो आपके शेयर्स हैं कंपनी उनको जाके कहेगी एक काम करो ये शेयर तुम मुझे दे दो इसके बदले इसके पैसे ले लो इतने तुम मुझे ये शेयर दो इसके बदले ये पैसे दे दो मैं इस शेयर को यहां लाके फाड़ के कैंसिल कर दूंगी तो कंपनी अपनी कैपिटल को क्या कर रही है कैंसिल याद करिएगा डिबेंचर जब आप बाय बैक करते थे आप या तो उन्हें इमीडिएटली कैंसिल कर सकते थे या उन्हें इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए रख सकते थे याद आ रहा किसी को डिबेंचर में बाय बैक ऑफ डिवेंचर पड़ा हुआ है तो डिबेंचर जब बाय बैक करते थे तो या तो उसे इन्वेस्टमेंट परपज के लिए भी रख सकते थे या उसे इमीडिएटली कैंसिल करते थे लेकिन शेयर्स के केस में बेटा बाय बैक अगर आपने किया है दैट कैन ओनली बी फॉर कैंसलेशन यू हैव टू फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर विद इन सेवन डेज ऑफ द कैंसिलेशन ये कंपनी में लिखा है ऑब्वियसली अब तो हमारे शेयर डीमेट फॉर्म में होते हैं तो ये वाली बात थोड़ी रिडनडेंट हो जाती है लेकिन फिर भी आपको पॉइंट समझ के रखना है कि इस बात की आपको अहमियत समझ के रखनी है कि हमारे जो शेयर्स है हमें उन्हें बाय बैक जब किया है दैट कैन ओनली बिफॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट इन आवर ओन शेयर समझ में आ रही है बाय बैक ऑफ शेयर का सिंपल मतलब क्या है कि कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को कह रही है ये लो पैसा और जाओ शेयर हमें वापस कर दो कैंसिल कर दो समझ में आ रही है कि नहीं क्लियर है बेटा जी अच्छा बाय बैक वैसे तो हमें समझ में आ गया सर सर इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेंगे हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन सर एक बात बताओ ये बाय बैक पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कहता हूं हां बेटा बहुत रिस्ट्रिक्शन है बाय बैक पे बाय बैक करने पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है और काफी कंडीशन है जो हमें चेक करनी पड़ेंगी उसके बाद ही हम एक लिमिटेड अमाउंट बाय बैक कर सकते हैं समझ में आ रही है तो फिर बच्चे के मन में सवाल आता है सर बाय बैक में इतनी दिक्कतें क्यों हैं क्यों हम फ्रीली बाय बैक नहीं कर सकते क्यों हम आ, प, सोच समझ के बिल्कुल कंडीशंस के अंदर रह के बायक करते हैं ठीक वाई इज देर अ लिमिट ऑफ बाय बैक ये सवाल है सर हमारे मन में इसका जवाब दे दो तो बेटा सबसे पहले ना मेरी बात सुनो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं ठीक है ना मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी देखो ऐसा है कि मैं भी गरीब हूं बेटा तुम भी गरीब हो तो आपको है लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन में मान लो गवर्नमेंट ने यह राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला हुआ राशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यहां पे ये काउंटर है ठीक है और इस पे सब लोग अपना आधार कार्ड दिखा के राशन ले रहे हैं ये लाइन में लगे हैं ठीक है ना ये लाइन में लगे हैं ये सबसे पहले लाइन में खड़ा है यश अमीर आदमी है फिर मानसी खड़ी है फिर दीक्षा खड़ी है और फिर मैं ये बात समझ में आ रही ठीक है तो हम चारों लाइन में खड़े हैं काउंटर में राशन लेने के लिए अच्छा एक बात बताओ राजपाल एक काम करता है फटाफट से ना यहां से सीटी बजाता है हुआ निकलता 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 और यहां जाके खड़े हो जाता है ठीक है लाइन में खड़े हो जाता है तुम कहते हो कोई नहीं सर है उम्र हो चुकी है तो पहले राशन लेने दो तो तुम कहते कोई बात नहीं तो मैं यहां आके खड़ा हो गया मैं यहां आके राशन ले लिया और जैसे ही मैंने राशन ले लिया तो वैसे ही उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया क्लोज्ड बोर्ड लगा दिया क्लोज्ड और कहते हैं अब राशन खत्म हो गया कल आना तो बेटा क्या फीलिंग आएगी तुम्हारे मन में सोचो जरा कैसा महसूस करोगे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा सोचना है जरा सर गुस्सा तो आएगा अच्छा गुस्सा किस बात का आएगा गुस्सा किस बात का आएगा कि मैं लाइन में आगे लग गया नहीं सर आपको तो लाइन में हमने लगने दिया था लेकिन फिर भी आप एक बात बताओ ना वो जो पैकेट था वो हक तो हमारा पहले बनता था हम पहले लाइन में लगे थे आप तो लास्ट में लगे थे ना आप तो हमारी एंटाइटलमेंट ले गए आप तो हमारी एंटाइटलमेंट ले गए हक वो हमारा बनता था समझ में आ रही है तो आपको इस बात का गुस्सा आ रहा है राइट कि आपसे पहले वो ऐसा व्यक्ति सामान ले गया जो एंटाइटल नहीं था राइट चलो अब इसी बात को कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं कि ये जो काउंटर है यहां राशन नहीं है ये काउंटर गवर्नमेंट का काउंटर नहीं है ये कंपनी का काउंटर है और कंपनी लिक्विडेट हो रही है मान लो और ये कंपनी यहां पे अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ठीक है ना ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है सबसे पहले कंपनी जब कोई भी लिक्विडेट हो गई तो किसको पैसे मिलेंगे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे क्या बताओ जरा नहीं सर पहले तो सर डिवेंचर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे फॉर एन एग्जाम्पल मैं पूरी लिस्ट ऐसे नहीं बता रहा हूं फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे फिर क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे ठीक है ना फिर मैं एक्चुअल और फिर लास्ट में जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसे मिलेंगे ठीक है है ना समझ में में आ रही है। अब एक बात बताओ में क्या हो रहा है कंपनी में मानता हूं बंद नहीं हो रही है कंपनी अभी चल रही है लेकिन लाइन तो यही है ना है ना कंपनी से कोई भी पैसा निकले तो सबसे पहले किसको मिलना चाहिए डिवेंचर होल्डर्स को फिर मिलना चाहिए सिक्योर्ड पहले एक्चुअली सिक्योर्ड क्राइटर्स को मिलना चाहिए डिवेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज होता है सब एसेट्स पे फिर को मिलना चाहिए फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए तुम क्या कर रहे हो बाय बैक कर रहे हो तुम बाय बैक कर रहे हो और बाय बैक कर रहे हो तो सीधा पैसा किसको जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को है कि नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सीधा पैसा जा रहा है तो क्या आगे लाइन में खड़े हो लोगों को दिक्कत नहीं होगी होगी ना तो इसीलिए ये जो पैसा जाता है ये पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड होता है इसके ऊपर कंडीशन लगी होती है इज दैट क्लियर समझ में आ रही है तो सबसे पहले हमें क्या बात याद रखनी है बेटा जी कि जो हमारा बाय बैक है ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक ऑफ शेयर बेटा जी वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ कंडीशन हैं और वो क्यों है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट सपोज टू रिसीव द मनी फर्स्ट द मनी रिसीविंग की लाइन में दे आर लास्ट बट वाया आर बाय दे कैन गेट देर मनी फर्स्ट सो वाई शुड वी लेट दैट हैपन वी हैव टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज पीपल राइट सो दैट इज वाई देर आर कंडीशन दैट इज वाई देर आर लिमिट्स समझ में आ रही है कि नहीं क्लियर है चलो तो एक काम करते हैं बेटा आप सबसे पहले एक अच्छा सा रजिस्टर बनाएंगे अभी चाहे रफ में लिख लें लेकिन एक आपने फेयर रजिस्टर जरूर बनाना है पूरा रजिस्टर आप डेडिकेट कर देंगे एडवांस अकाउंट्स को और अच्छे से नोट्स बनाएंगे बेटा क्योंकि वो नोट्स ही हमारे दोस्त हैं जो एंड में हमारे काम आएंगे ठीक है याद रखना है इस बात को ठीक है चलो तो पूरा सीरियसली इस चीज को लेके चलना है ऑल राइट और अच्छे से पढ़ना है जो भी हमारे नोट्स हम लिखेंगे क्लियर चलो तो पहले सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे फंडिंग ऑफ बाय बैक दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स ठीक है अभी हम बात करेंगे कि कैसे मेरे आगे वाले नाराज नहीं हो रहे ठीक है ना समझ में आई क्लियर है अच्छा सुनो फंडिंग क्या है अ कंपनी Can purchase its own shares or other specified securities out of. ठीक है अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ नंबर वन अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे ठीक है अब यहां पे पे वापस इसी लाइन आते हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है थैलियां मिल रही हैं राशन की पहली थैली डिबेंचर होल्डर्स को मिलनी चाहिए थी अगली थैली सिक्योर क्रेडर्स को मिलनी चाहिए थी फिर क्रेडिटर्स को मिलनी चाहिए थी फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलनी चाहिए थी राइट फिर जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलनी चाहिए थी तो बेटा ये सब नाराज ना हो ऐसा क्या करें ठीक है ये सब नाराज ना हो कि ऐसा क्या करें कि ये बंदे दिक्कत में ना आए ठीक है तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से सब लोग ठीक है अगर इनको भी पैसा मिल रहा है इनको भी राशन मिल रहा है और इस लास्ट वाले के लिए अलग से राशन आ गया है तो इसको चाहे पहले दे दे, बाद में दे, दे इसको दिक्कत थोड़ी आएगी समझे जरा जरा ध्यान से सुनना ठीक है ना मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज भी कर देता हूं ठीक है मान लो कि यहां पे ये जो लाइन लगी हुई है ये लाइन लगी है मूवी की मूवी टिकट्स की ठीक है मूवी टिकट के लिए पहला बंदा खड़ा है दूसरा बंदा खड़ा है तीसरा बंदा खड़ा है चौथा खड़ा है पांचवा खड़ा ठीक है टिकट्स कुल मिला के लेट से सिर्फ चार ही हैं तो पहले बंदे को मिलनी चाहिए दूसरे को मिलनी चाहिए तीसरे को मिलनी चाहिए चौथे को मिलनी चाहिए पांचवे को नहीं मिलेगी क्योंकि वो लाइन में सबसे आखिरी में है कि नहीं अच्छा अगर मैं इसको यहां पे खड़ा कर दूं और इसको एक टिकट दिलवा दूं तो नाइन साफी हो जाएगी राइट लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं कि एक टिकट बढ़ा देते हैं व्हाट इफ मैं कहूं कि एक टिकट बढ़ा देते हैं जितना हम इस बंदे को पैसा दे रहे हैं उतना पैसा कहीं और से आ जाए तो, तो फिर क्या तुम्हें दिक्कत होगी तो क्या लाइन में आगे खड़े हुए लोगों को दिक्कत होगी हम कहते हैं चलो थिएटर में हम एक और सीट लगा देंगे हम एक और सीट लगा देंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत होगी फिर तुम क्या को आप बैक करने की बात करते हो तो पैसा तो हमें मिलना चाहिए है कि नहीं तो फिर मेरी बात सुनो ध्यान से मैं इनको कहता हूं एक बात सुनो कंपनी में जो पैसा है हम उसे वहीं का वहीं रख रहे हैं हम उसे वहीं का वहीं रख रहे हैं हम उसे छेड़ नहीं रहे हैं वो पैसा पहले आपको ही मिलेगा हम इस बंदे के लिए फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर का अब बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें वो कहते हैं अच्छा हमें क्या दिक्कत हो सकती है हमें कोई दिक्कत नहीं है जी ठीक है ना तो वो बंदे इस बात में दिक्कत नहीं करेंगे तो यहां पे सोर्स ऑफ बायबैक में सबसे पहले लिखेंगे प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ये जो एनी शेयर्स हैं दे शुड नॉट बी ऑफ द सेम क्लास नो शुड नॉट बी ऑफ द सेम क्लास इनको सेम क्लास का नहीं होना समझ में आ रही है अब आप सुनो ना एक तरह से अब ध्यान से सुनो अभी सिंपल सी बात है मैं आपको एक बहुत सिंपल से दो पॉइंट बताता हूं पहला पॉइंट यह है कि आप करना चाहते हो सर आप बाय करना क्यों चाहते हो आपके पास पैसा भूसा तो है नहीं ठीक है ना तो आप सोचो आपने एफ एम में आप पढ़ोगे एक चीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कुछ पढ़ोगे आप ठीक है ना आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि आपको ये कैपिटल लेने में कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है ठीक है अब मेरी बात सुनो आपको पता है ये जो इक्विटी शेयर्स हैं इनमें मेरे को 20 परसेंट कॉस्टिंग पड़ रही है लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करता हूं तो मेरे को 14 परसेंट कॉस्टिंग पड़ेगी तो आप इक्विटी शेयर्स को हटा के प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ जाने की सोचोगे कि नहीं बताओ मार्केट में प्रेफरेंस शेयर फोर्टीन पे इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर पे ट्वेंटी की कॉस्टिंग पड़ रही है तो आप जाना चाहोगे कि नहीं तो आप क्या करोगे आप फ्रेश इशू कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और प्रेफरेंस होल्डर से जो पैसा आएगा उससे क्या करोगे बाय बैक कर लोगे, इससे क्या होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन बच जाएगा ना छह परसेंट का समझ में आ रही है तो इसीलिए आप बाय करोगे तो बाय करने का नंबर वन सोर्स क्या हो सकता है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इसको फ्रेश इशू लिख दो प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ एनी शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो शेयर फ्रेश इशू करने हैं दे शुड नॉट बी ऑफ द सेम क्लास तो जैसे अगर इक्विटी शेयर बाय बैक कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो या इक्विटी शेयर इशू कर दो जो कि इन इक्विटी शेयर से अलग हैं इनके राइट्स अलग हो चाहे वो डिविडेंड्स के राइट हो चाहे वो वोटिंग के राइट्स हो ठीक है ना तो राइट्स अलग होने चाहिए सेम क्लास के के कैटेगरी शेयर्स नहीं होने चाहिए अलग कैटेगरी के शेयर्स होने चाहिए बेटा ठीक है क्लियर हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है तो बाय बैक करने का पहला सोर्स क्या है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ठीक है ना अच्छा दूसरी बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है कहां से कर सकते हैं बेटा बाय बैक कब करोगे पहला मैंने आपको बताया जब आपको एक चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है तो आप बाय बैक करने की सोचोगे राइट आपको पता लग रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चीपर है अपनी प्रेजेंट इक्विटी से तो हम एक काम करते हैं फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं सस्ते वाले और बाय बैक कर लेते हैं इक्विटी शेयर को तो जो हमारे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है उन्हें प्रॉफिट पड़ेगा आगे के लिए राइट और दूसरा चीज है कि कंपनी के पास बहुत पैसा है कंपनी के पास ऐसा पैसा है और इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना ही बिजनेस में वो अपने इन्वेस्ट कर सकती है तो कंपनी वो पैसा शेयर होल्डर्स को देना चाह रही है फिर कैसे देना चाह रही है बाय बैक करके के आओ शेयर होल्डर्स तुम अपनी शेयर कैपिटल अपनी कैंसिल करवा लो और हमसे पैसा ले जाओ राइट तो उस केस में आप कहा से बाय बैक करोगे आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी ठीक है अब एक इसके अंदर नई बात सीखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व ये भी लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ठीक है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम के पांच लिमिटेड यूजेस हैं एज पर सेक्शन 53 ठीक है ना ऑफ द कंपनीज एक्ट ये याद रखना उसके पांच यूजेस हैं दैट्स इट क्लियर है उसके अलावा और कोई यूज नहीं है जिसमें डिविडेंड नहीं दे सकते लेकिन बाय बैक करने के पर्पस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो एज अ फ्री रिजर्व तो अब क्या कह रहे हैं कि आप अपने फ्री रिजर्व में से अपना क्या करो बेटा जी इशू कर दो अपना बाय बैक कर लो ठीक है ना फ्री रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको यूज कर लो ठीक है चलो तो अब आप कहोगे सर अगर मैं फ्री रिजर्व में पड़े हुए पैसे को यूज कर लेता हूं तो फिर तो मेरे लाइन वालों को दिक्कत आएगी ना यार क्योंकि आप पिछली बार कह रहे थे मैं अलग से पैसा लेके आ रहा हूं कंपनी में और उस पैसे से मैं बाय बैक कर रहा हूं तो मैं फ्रेश इशू कर रहा था तो फ्रेश इशू से जो पैसा आ रहा था उससे मैं बाय बैक कर रहा था वो वहां तक तो सर बात ठीक थी अब आप तो आप तो कंपनी का पैसा यूज कर रहे हो तो मैं कहता हूं हाँ कंपनी का पैसा यूज कर रहा हूं मैं उसके लिए मैं एक और चीज करता हूं तो सेकंड केस में जो हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना आए ठीक है ना कि हमसे पैसे पहला जो हमसे पहले पैसा जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है इसके लिए Companies Act ने एक बहुत अच्छा फिनोमिना लेके आया जिसका नाम है कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व इसे हम सी आर आर बोलेंगे बेटा कैपिटल रिडेम्पन रिजर्व क्लियर है कैपिटल रिडेम्पन रिजर्व अब कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व में हमने क्या देखना है कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व में बेटा जी सबसे पहले एक बात समझनी है कि लिख लेते हैं क्या है फिर उसके बारे में बात करेंगे तो कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व में बात करेंगे व्हेन द कंपनी बाइस बैक शेयर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व भी हो गया ना नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे असम Equal to the nominal value of shares, nominal value, but a face value, a sum equal to the nominal value of shares bought back shall be. Transferred to a reserve account called as Capital Redemption Reserve Capital Redemption Reserve. ठीक है आगे एक स्टार बना के एक और बात लिखेंगे द सियार आर मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर ठीक है तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से हम नया पैसा नहीं ला रहे हैं कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा है बहुत पैसा है कंपनी के पास और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कंपनी क्या कर रही है कंपनी कह रही है काम करो शेयर होल्डर्स के पैसे वापस कर दो और शेयर होल्डर्स के जो कैपिटल है उसे कैंसिल कर दो ताकि जो शेयर कैपिटल है वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए और जो मेजर शेयर होल्डर्स है उनके हाथ में ज्यादा पावर आए ठीक है ना तो ये आप कोशिश करते हैं आप बाय बैक करते हैं शेयर आपकी कंपनी में बहुत पैसा है ठीक है ना तो अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से इसमें आपके जो लाइबिलिटी होल्डर्स हैं वो थोड़े परेशान हो जाएंगे राइट वो कहेंगे यार ये पैसा तो पहले हमें मिलना चाहिए बचे तो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए आप पहले ही शेयर होल्डर को ये पैसा दे रहे हो ठीक है तो फिर हम उनको कहते हैं देखो एक बात सुनो जरा ध्यान से इस बात से तुम नाराज हो हमें समझ में आ रहा है अब सुनो जरा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो कहते हैं हाँ, मिलता है, है। सीआरआर में, तो सी में ट्रांसफर कर देंगे अच्छा सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या उससे डिविडेंड हो पाएगा क्या डिविडेंड इश्यू हो पाएगा नहीं सर उससे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे आपने लिखवा दिया सीआरआर सिर्फ बुल्ली बेट बोनस शेयर करने में हो सकता है तो फिर एक बात बताओ जो पैसा डिविडेंड के रूप में जाना था वो हमने रोक दिया तो अब लाइबिलिटी होल्डर्स खुश हो तुम्हारी दिक्कत क्या थी पैसा जा रहा है कंपनी से बाहर ठीक है किसके पास जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाना पहले तुम्हारे पास चाहिए था तुम्हारा अधिकार पहले बन रहा था तो हमने जो उनका दूसरा अधिकार बन रहा था वो रोक दिया खुश हो अब हमने उनका डिविडेंड रोक दिया अब उनको डिविडेंड उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने उनके प्रॉफिट्स को कम कर दिया एसपीआर को कम कर दिया और उसको ट्रांसफर करके हमने किस में डाल दिया सीआरआर में सर ये सीआरआर क्या हमें फ्रेश इशू वाले केस में भी बनाना पड़ेगा नहीं फ्रेश इशू वाले केस में तो फ्रेश कैपिटल आ रही है बाय बैक को जा रही है तब क्या दिक्कत है तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए सीआरआर आपको तभी बनाना है जब आपका बाय बैक जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा हो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो रहा प्र हो और जब ऐसा हो रहा हो तो जितने आप शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं उतने शेयर्स की फेस वैल्यू उतने शेयर्स की फेस वैल्यू आपने ट्रांसफर करनी है सीआरआर में सीआरआर में जो आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसका केवल एकमात्र उपयोग क्या होगा टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर समवेयर लेटर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बेटा तो दो टॉपिक एक्चुअली में साथ पढ़ने हैं पहला टॉपिक ये है कि कौन से सोर्सेस हैं जिनसे मैं बाय बैक कर सकता हूं और दूसरा टॉपिक ये है कि सीआरआर क्या है और कब बनाना है कौन से सोर्सेस है जिनसे मैं बाय बैक कर सकता हूं दो सोर्सेस हैं जी पहला है आउट ऑफ प्रोसीड शेयर दीज शेयर कैनोट बी ऑफ द सेम क्लास ऑफ द शेयर विच आर बींग बाय बॉट बैक ठीक है ना अच्छा दूसरी चीज क्या है इसके अंदर जो पढ़ने वाली है आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी फ्री रिजर्व में एसपीआर आएगा ठीक है और तीसरी चीज इसमें जो बात करने वाली है वो ये है कि अगर आप अपना बायबैक फ्री रिजर्व और एसपीआर में से कर रहे हैं तो आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कितना हिस्सा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कितना हिस्सा भाई जितनी फेस वैल्यू है उन, प्रो, उन की जो आप बाय बैक कर रहे हैं उसे ट्रांसफर करना है एक रिजर्व में जिसका नाम क्या है बेटा सी आर आर एक रिजर्व में जिसका नाम क्या है सीआरआर क्लियर है ठीक है और सीआरआर का एकमात्र उपयोग क्या है बेटा कि आप इससे फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं दैट्स इट चलो जी तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया चलो अब एक नोट और बना लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट है शेयर्स और Other specified securities should be fully paid up before they are bought. बैक बिफोर दे आर बॉट बैक दैट इज यू कैनॉट बाय बैक पार्टली पेडअप शेयर्स आप पार्टली पेडअप शेयर्स बाय बैक नहीं कर सकते ठीक है आपको ये देखना पड़ेगा कि जो शेयर्स मैं शेयर कर रहा हूं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए फिर बच्चे के मन में सवाल आता है सर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में ना सर पार्टली पेड अप शेयर्स दे रखे हैं और हमें कह रखा है कि हम बाय बैक कर लें तो सर हम क्या करेंगे बेटा जी सुनो जरा ध्यान से अगर क्वेश्चन आता है पेपर में जिसमें पार्टली पेड अप शेयर्स है और आपसे उन शेयर्स को बाय बैक करने को कहा जा रहा है तो आप करेंगे कि आप लास्ट कॉल कर रहे हैं और उस लास्ट कॉल के पैसे आ रहे हैं कॉल करने की एंट्री आती है ना शेयर है, है ना शेयर कॉल करने की एंट्री तो शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और फिर उसके पैसे रिसीव कर लोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ठीक है ना तो आप ये अज्यूम करोगे कि आपने कॉल करी क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना वहां पे ये मत लिखाना कि इट इज नॉट अलाउड सो वी नॉट बाय बैक ठीक है वहां पे आप एजम्स लोगे कि जितना भी आपका अनपेड अमाउंट है वो आपने लास्ट कॉल करी और वो लास्ट कॉल करके उसकी सारी पेमेंट आ गई ठीक है ये अजम्पन लेनी है पेपर में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा केस आएगा तो हम देखेंगे क्लियर है बेटा चलो किसी भी टॉपिक में हम सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे ठीक है तो अभी हमने देखा कि बायबैक के सोर्सेस क्या है बाय करते हैं अगर हम आउट ऑफ प्रॉफिट और एसपीआर तो आपको क्या बनाना पड़ेगा सीआरआर अगर आप आउट ऑफ इशू करते हैं तो आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है यह बात क्लियर हो चुकी है आपके दिमाग में ठीक है ना तो अब हम देखते हैं कि हम बाय के समय जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे बाय बैक के समय क्या जर्नल एंट्रीज पास होनी है ठीक है चलो सबसे पहले एंट्री अमाउंट ड्यू ऑन बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो जब भी आप बाय बैक करोगे आप ऑब्वियसली फेस वैल्यू से थोड़े हायर अमाउंट पे बाय बैक करोगे ठीक है ना फेस वैल्यू से थोड़े हायर अमाउंट पे बाय बैक करोगे दो सौ रुपए में करोगे तीन सौ रुपए में करोगे जबकि आपका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू केवल दस रुपए होगी अब याद करो जब आप शेयर्स को क्रिएट करते थे तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे आज आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो बाय बैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा डेबिट तो यहां पर आप डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसे लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो जो भी आपने शेयर बाय बैक किए उनकी फेस वैल्यू यहां आएगी उनका इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू जो भी प्रीमियम है वो यहां आएगा और प्राइस ऑब्वियसली सारा उनके नाम पे ड्यू कर दिया जाएगा तो मैंने शेयर होल्डर्स को इस एंट्री में अपनी लाइबिलिटी बना लिया कि अब मैं इतने पैसे इनके देता हूं ठीक है ना क्योंकि मैंने अपनी शेयर कैपिटल कैंसिल और प्रीमियम पे किया है ठीक है सेकेंड अब ये जो आपने प्रीमियम पे किया है इसे कहां से प्रोवाइड फॉर करोगे ये प्रीमियम आप कहां से लेके आए हो ठीक है ना तो एंट्री लिखनी है प्रोवाइडिंग फॉर स्लैश सोर्सिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक बेटा देखिए आप प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक को सबसे पहले प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं एसपीआर से फिर भी कम पड़े तो फिर आप अपने फ्री रिजर्व से उसको प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं ठीक है ना तो यहां पे हम एंट्री क्या लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट Profit and loss account debit, general reserves account debit, other free reserves account debit to premium on buyback. समझ में आ रही है क्लियर है अब तीसरी एंट्री ट्रांसफरिंग फ्री रिजर्व्स, यानी के डिविजिबल प्रॉफिट्स to crr account to the extent of nominal value of shares bought back out of तो आपको फ्रेश इशू वाला तो करना ही नहीं है ना ठीक है ना तो आउट वाला केस है यहां पे वो देख लेते क्लियर है? चलो तो आउट कितना हो गया ये देख लेते इस केस में प्लीज ध्यान रखेंगे यहां पे फ्री रिजर्व्स में डू नॉट इंक्लूड एसपीआर एसपीआर का यूज आप प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक के लिए कर सकते हैं लेकिन सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते ये बात याद रखिएगा सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते आप एसपीआर एसपीआर का यूज हो रहा है ना रिडेम्शन में बाय बैक में हो रहा है लेकिन यहां नहीं कर सकते सीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अदर एक और नाम होता है वो भी लिख लेते हैं आपको याद रहेगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अदर फ्री रिजर्व अकाउंट या एग्जाम्पल्स हैं फ्री रिजर्व के अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है टू कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व अकाउंट तो सी आर आर में जो आपने अमाउंट ट्रांसफर करना है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन बाय बैक ठीक है ना बट इट कैनॉट बी यूज फॉर ट्रांसफर टू सी आर आर प्लीज याद रखिएगा यह बात और लास्ट एंट्री बेटा पेमेंट कर दो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो पेमेंट कर दोगे तो एंट्री क्या आएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे क्लियर है बेटा तो ये और इन्वेस्टमेंट आप आपने प्रॉफिट पे तो उसकी एंट्री यहां अलग से लिखवाऊ के बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल बताओ जरा या आपने कोई प्रेफरेंस शेयर पहले इशू किए हैं फ्रेश इशू में तो उसकी एंट्री पहले अलग से बताऊं क्या मैं आपको सिर्फ जो चैप्टर के रिगार्ड्स में नई एंट्रीज हैं सिर्फ वो बताऊंगा और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज जो हैं बाकी सेल परचेज इश्यू ऑफ शेयर्स ये आती होंगी ठीक है बेटा चलो तो ये जर्नल एंट्रीज जब हमारी हो जाएंगी तो अब हम आगे अपनी स्टडी मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्टडी मटेरियल खोल लिया बेटा इसमें हम देखते हैं हमारे पास

चलो रेवेन्यू रिजर्व भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में टेन परसेंट डिवेंचर है, है। यहां पे ज्यादा कोई काम की चीज नहीं है एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है फाइव थाउजेंड ठीक है बाकी देखते हैं द कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक ट्वेंटी परसेंट ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट द रेट रुपीज फिफ्टीन पर शेयर फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज थर्टी लैक्स फॉर रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक्स तो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट इन्होंने 25 लाख में बेच दी है तो हमें उसकी यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है ठीक है चलिए तो एक बारी कंपनी का नाम देख लें क्या है एम लिमिटेड तो यहां पे हम इलस्ट्रेशन नंबर वन सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड ठीक है बेटा सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है? हमें इन्वेस्टमेंट बेचनी है इन्वेस्टमेंट कितने वाली कितने में बेची है रहे, 30 वाली 25 में बेच दी तीस लाख की पच्चीस लाख में बेच दी तो नुकसान करवा लिया तुमने ना लायक हो तुम तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री तो आती है ना यार फायदे में बेचो तो नुकसान में बेचो तो बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी फाइव लैक्स अब हम रुपीज इन थाउजेंड कर रहे हैं क्या ठीक है ना तो जैसे हम कर रहे थे तो यहां पे रुपीज इन थाउजेंड है तो पच्चीस लाख है तो ढाई हजो हो जाएगा ये इसके पीछे हजार लगेगा ना तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आपने पांच लाख रुपए का नुकसान कर दिया टू इन्वेस्टमेंट कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी लाख रुपए की, ठीक है ना तो तीन हजार आना चाहिए क्लियर है बेटा जी तीन हजार आना चाहिए ये आपकी पहली एंट्री होगी अब सेकेंड एंट्री में वो आपसे कह रहे हैं कि ट्वेंटी परसेंट ऑफ इक्विटी आप बायबैक कर रहे हैं तो उनके पास कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है तीन लाख बेटा जी तीन लाख इक्विटी शेयर का ट्वेंटी निकालें तो साठ शेयर आते हैं और आप पंद्रह रुपए प्रति शेयर में खरीद रहे हो यानी आप नौ लाख रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यानी हम इनकी एंट्री जो करेंगे बाय बैक की वो सबसे पहली क्या करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अब आप यहां पे तीन जीरो हटा दे बेटा तो नौ लाख रुपए की बात बनती है यानी नौ सौ रुपए नौ लाख के पीछे तीन जीरो हटा दे तो नौ सौ ही तो आता है अब यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा फेस वैल्यू दस रुपए की फेस वैल्यू है देख लो जरा क्वेश्चन में दस रुपए की फेस वैल्यू है राइट और साठ हजार शेयर है तो दस रुपए की फेस वैल्यू साठ हजार शेयर तो यानी छ सौ रुपीज इन थाउजेंड है और अगर प्रीमियम ऑन बायबैक करें तो पंद्रह रुपए में खरीद रहे हैं तो पांच रुपए का हो गया ना तो पांच रुपए का हो गया यहां पे तो पांच इन टू साठ हजार तीन लाख होते हैं तो यानी तीन सौ आ गया रुपीज इन थाउजेंड है समझ में आ रहा है आप चाहें तो रुपीज इन थाउजेंड हटा भी दे मैं रुपीज इन थाउजेंड लेकर चल रहा हूं तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है बेटा तो ये दूसरी एंट्री हो गई अब इस एंट्री के बाद क्या करूंगा प्रोवाइड फॉर करूंगा इस प्रीमियम को तीन सौ रुपए यानी तीन लाख रुपए का प्रीमियम मैं देखता हूं मेरे पास एसपीआर है कि नहीं मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है और एन है तो मैं इसी से प्रोवाइड फॉर कर दूंगा यानी मेरी थर्ड एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायक तो टू प्रीमियम ऑन बाय बैक बेटा जी कितना 300 300 सिक्योरिटीज प्रीमियम में 500 था बट चाहिए तो 300 अच्छा मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 200 होता तो बाकी कहां से लेते फ्री रिजर्व में से चाहे अब आप रिवेन्यू रिजर्व में से ले लेते चाहे अब आप पर, अपना प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेते हैं यहां पे सरप्लस में से ठीक है ना प्रॉफिट एंड लॉस में से भी ले सकते थे और आप रेवेन्यू रिजर्व्स में से भी ले सकते थे कभी इसमें सोचना मत कि सर पहले किसको यूज करें दोनों सेम रैंक में हैं आप पहले जिसको मर्जी यूज करें मान लो आपने यार रेवेन्यू रिजर्व यूज किया और बुक में आंसर में प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो मायूस होने की जरूरत नहीं है वो एक ही बात है वो एक ही बात है वो नॉर्मल चीज है ठीक है बेटा टेंशन नहीं लो बाय बैक में आप जब फ्री रिजर्व कहते हैं तो रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ हैव द सेम रैंकिंग अब जैसे मुझे सीआरआर बनाना है कि नहीं ये देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में सीआरआर कब बनता है बेटा देखो सिर्फ दो सोर्सेज हैं टू प्रोवाइड फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर पहला सोर्स है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दूसरी क्लास के होने चाहिए और दूसरा मेरा है आउट ऑफ प्रॉफिट राइट अब इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा फ्रेश इशू के बारे में तो इसका मतलब क्या है मैं क्या लेके चलूंगा मैं ये लेके चलूंगा कि यहां पर आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है बेटा जी तो मुझे ट्रांसफर करना है सीआरआर में एन अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक कितने शेयर्स बाय बैक हो रहे हैं साठ एक शेयर कितनी फेस वैल्यू रखता है दस रुपए साठ हजार इंटू दस रुपए बेटा छह लाख रुपए मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करने हैं मेरे पास फ्री रिजर्व्स में क्या छह लाख रुपए है बहुत पैसा है सर आप चिंता मत करो छह लाख रुपए इन थाउजेंड होते हैं छे सौ रेवेन्यू रिजर्व में चार हजार है और प्रॉफिट एंड लॉस में अठारह सो है सर किस में निकालू किसी में भी निकाल सकते हो मेरे दोस्त किसी में भी निकाल सकते हो ठीक है ना किसी में भी कोई फर्क नहीं है मैं रेवेन्यू रिजर्व में से निकालता हूं चलो मेरा मन कर रहा है तो यहां पे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 600 टू सी आप फुल फॉर्म लिखेंगे कैपिटल रिडेमशन रिजर्व 600 ठीक है और लास्टली जब आपने सी ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा भी तो दे दो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए बेटा टोटल 900 देने हैं ना 900 माने 9 लाख रुपए रुपीज इन थाउजेंड है तो 9 लाख रुपए की यहां पे एंट्री कर दी तो यहां पे मेरी सारी जो रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज है फॉर दिस ट्रांजेक्शन वो खत्म हो जाती है बेटा ठीक है चलो देखे आंसर में आंसर में देखो सबसे पहले कौन सी एंट्री कर रखी है बैंक अकाउंट डेबिट पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट ये हमने करी फिर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाय बैक तीन सौ ये है पेमेंट की एंट्री हमने कर दी थी तो 900 टू 900 और सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक ये भी हमने कर दिया था रेवेन्यू रिजर्व टू कैपिटल रिडेमशन रिजर्व 600 ये भी हमने कर दिया था क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा पक्की बात है सही बताओ इजी है कि नहीं इजी है ये ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इलेस्ट्रेशन नंबर टू चलो अ नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन अब देखो सोर्सेज ऑफ फंड्स दे रखे हैं फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स सोर्सेज ऑफ फंड्स माने के लाइबिलिटीज दे रखी है इन्होंने और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स माने के एसेट्स दे रखे हैं तो शेयर कैपिटल ऑथोराइज है ये तो अलग है

अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है तो आपको फेस वैल्यू जितनी आपकी होती है जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स वो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करनी होती है जस्ट लाइक बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर चलो इट ऑल्सो बॉट बैक फिफ्टी लैक्स इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इच एट रूपीज फिफ्टी पर शेयर तो दस रुपए का शेयर पचास रुपए में बाय बैक किया है कुल मिला के पचास लाख इक्विटी शेयर बाय बैक किए हैं द पेमेंट फॉर द अब वर मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंसेज विच अपियर एज अ पार्ट ऑफ करंट असैट यानी कोई फ्रेश इश्यू नहीं किया गया दोनों चीजों के लिए यू आर आसल एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रिपेयर बैलेंस ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड वन चलिए बेटा तो जर्नल एंट्रीज करते हैं इलेट्रेशन नंबर टू की ठीक है इलेस्ट्रेशन नंबर टू सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्शन की एंट्री करेंगे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया कि हमारे प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं ठीक है तो हम मान के चलेंगे वो पार पे ही रिडीम हुए हैं पिचहत्तर करोड़ के हमारे प्रेफरेंस शेयर थे तो पिछहत्तर करोड़ में ही रिडीम हुए हैं सौ रुपए में ही गए हैं तो हमारी एंट्री क्या आएगी क्या परसेंट प्रेफरेंस शेयर है ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ये एंट्री हो रही है आपकी रुपीज इन करोड में कोशिश यही करा करो कि जो क्वेश्चन में यूनिट ले रखे हैं ना मेजरमेंट के वही यहां पे आप लो तो कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी तरीके की बट ये याद रखना है कि आप जब अपनी कैलकुलेशन करोगे तो उस यूनिट का ध्यान जरूर रखोगे, ठीक है बेटा तो यहां पे हमारे पास हो गया अब मेरे को नेक्स्ट एंट्री क्या करनी चाहिए मेरे को नेक्स्ट एंट्री बाय की कर लेनी चाहिए पचास लाख शेयर है अब देखो पचास लाख शेयर है और मैं उन्हें पचास रुपए पर शेयर में कर रहा हूं और डिवाइड बाय जब मैं करोड़ करूंगा तो मेरे पास पच्चीस करोड़ की ट्रांजैक्शन आ रही है ये ठीक है पच्चीस करोड़ की ट्रांजैक्शन आ रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन उाइल बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ठीक है बेटा अब इसके अंदर मैंने पता लगाया कि पांच लाख इक्विटी शेयर्स हैं पचास लाख सॉरी फिफ्टी लाख और पचास रुपए में आप उन्हें बाय बैक कर रहे हो तो पचास लाख इंटू पचास रुपए ये आपका आ गया बेटा पच्चीस करोड़ आता है ना एक मिनट पचास लाख इंटू पचास डिवाइडेड बाय एक करोड़ में सात जीरो आते हैं ना हाँ तो पच्चीस करोड़ तो ये पच्चीस करोड़ की मेरी ट्रांजैक्शन है अब इसमें से मैं देखूं कि पचास लाख में से दस रुपए की तो मेरी फेस वैल्यू है तो पचास लाख इंटू दस रुपए तो यानी पांच करोड़ की तो मेरी फेस वैल्यू है और बाकी बीस करोड़ की मेरी जो है वो प्रीमियम ऑन बायबैक है ठीक है अब मुझे इस प्रीमियम ऑन को प्रोवाइड फॉर करना है क्या मेरे पास प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है हाँ और उसमें बीस करोड़ है मुझे तो सॉरी पच्चीस करोड़ है मुझे तो सिर्फ बीस चाहिए तो मैं वहां से राइट ऑफ कर लूंगा तो एंट्री क्या लिख दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक बीस करोड़ बीस करोड़ फिर उसके बाद अब हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना अमाउंट वो हमें करना है अपने फ्री रिजर्व में से तो मेरे रेवेन्यू रिजर्व हैं 260 करोड़ के बहुत बहुत पैसा है भैया तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर अकाउंट अब सी आर आर में कितना पैसा ट्रांसफर करना है सबसे पहले मैंने बाय बैक किया जितने भी शेयर मैंने बाय बैक किए उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है जो उनकी फेस वैल्यू है बेटा वो मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करनी है नॉमिनल वैल्यू है पांच करोड़ तो मेरे को पांच करोड़ बाय बैक करने जो हमारे बाय बैक किए हुए शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू सीआरआर में ट्रांसफर करनी है एक आपको फर्स्ट ग्रुप में रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बता दिया गया था जब आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो जितनी भी उनकी फेस वैल्यू है वो भी सीआरआर में ट्रांसफर होती है आपके कितनी प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू है सेवनटी फाइव करोड़ बेटा जी तो ये सेवनटी फाइव करोड़ को भी आप ट्रांसफर करेंगे आप चाहे तो इसकी दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं सेम एंट्री आएगी या आप कंबाइंड भी एंट्री कर सकते हैं अस्सी करोड़ रुपए के साथ लास्ट स्टेप जो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज में बच गया बेटा वो है इनको पेमेंट करने का मैं तो उनकी भी एंट्री साथ में कर रहा हूं आप चाहें तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 75 करोड़ देने हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को 25 करोड़ देने हैं हम अपने अबंडेंट रिसोर्सेस इन बैंक अकाउंट से ये पेमेंट कर देंगे 100 करोड़ रुपए की क्लियर है कि नहीं अब इसके बाद वो हमसे कहते हैं जी बैलेंस शीट बनाओ चलो जी बैलेंस शीट बना देंगे बैलेंस शीट हमें बनानी है शेड्यूल थ्री के हिसाब से तो पर्टिकुलर्स शेड्यूल नंबर या नोट नंबर और अमाउंट पहला साइड क्या है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल नोट नंबर वन बना दो शेयर कैपिटल का नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए उसे हमेशा अलग से बनाएंगे ही बनाएंगे चाहे जितना छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो वहां पे लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल इन्होंने ऑथोराइज की इंफॉर्मेशन कोई दे रखी है सीधा उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल हंड्रेड करोड बता रखी है हम भी फिर वैसे ही लिख लेते हैं रुपीज इन करोड हंड्रेड फिर इस इंफॉर्मेशन के बाद ट्वेल्व परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो अब हमने रिडीम कर दिए बोल रहे नहीं पच्चीस करोड़ है ना इसमें से पचास लाख हमने कर दिए हटा दिए तो अब यह बीस करोड़ बचे ठीक है बीस करोड़ बचे और दस रुपए का एक शेयर है तो ये हमारे कितने हो गए बीस करोड़ हाँ तो एक सेकेंड एक दो तीन चार पांच छ सात हां तो दो करोड़ शेयर हैं तो यहां पे क्या लिख देंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप ठीक है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में लिख देंगे टू करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस टेन इच तो यहां बीस करोड़ आ गया तो फाइनल मेरा टोटल जो आना है शेयर कैपिटल में वो आना है बीस करोड़ फिर बात आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नोट है इसको कैसे बनाएंगे बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले पर्टिकुलर्स फिर ओपनिंग बैलेंस फिर एडिशंस फिर डिडक्शंस और फिर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करके उसका टोटल हम बैलेंस शीट में डालेंगे अब सबसे पहले देख लो हमारे पास रिजर्व्स में क्या क्या था कैपिटल रिजर्व्स था पंद्रह करोड़ का कैपिटल रिजर्व पंद्रह करोड़ का कोई चेंज नहीं ना कोई एडिशन ना कोई डिडक्शन तो पंद्रह करोड़ का ही आ गया फिर बात करें अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की प्रीमियम में 25 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस था जिसमें से 20 करोड़ हमने यूज कर लिया टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, तो अब ये 5 करोड़ बचा सिर्फ फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद रेवेन्यू रिजर्व्स निकालते हैं 260 सौ साठ तो रेवेन्यू रिजर्व जो है 260 करोड़ थे इसमें कोई एडिशन तो नहीं हुआ लेकिन इसमें से 80 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए थे सीआरआर में तो 260 में से 80 माइनस करोगे बेटा तो बचेगा 180 तो 180 करोड़ यहां पे आया और फिर उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व के बाद एक नया हमने निकाला कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व इसका ओपनिंग बैलेंस तो जीरो था लेकिन हमने इसमें ट्रांसफर करे अस्सी करोड़ रुपए तो डिडक्शंस कोई नहीं थी तो अस्सी करोड़ यहां पे आ गए तो इसका मतलब है मेरे पास पंद्रह करोड़ पांच करोड़ एक सौ अस्सी करोड़ और अस्सी करोड़ टोटल दो अस्सी करोड़ के रिजर्व है टोटल दो अस्सी करोड़ के रिजर्व है तो मैं ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस में 280 करोड़ लिख देता हूं फिर उसके बाद मेरे पास इन्होंने कुछ और दे रखा है क्या लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई है डिबेंचर विचर नहीं है ना हाँ करंट लाइबिलिटीज है हम तो शेड्यूल थ्री बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम करंट लाइबिलिटीज को यहां ही लिख देंगे क्वेश्चन में जैसी भी बैलेंस शीट दे रखी हो आपको आंसर में कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल थ्री के हिसाब से ही देनी है तो करंट लाइबिलिटीज यहां पे सीधा सीधा लिख देता हूं कितने की है मेरी 40 की तो फिर मेरा ये जो इस साइड का टोटल आ जाएगा तो 20 और 280 और 40 340 करोड़ का टोटल आ जाएगा दूसरा साइड है मेरा एसेट साइड एसेट साइड में सबसे पहले मैं लिखता हूं नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आता है पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें आता है आपका टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में हमारे फिक्स्ड का एसेट्स आ जाएंगे कॉस्ट इनकी और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो भी है वो देख लेंगे तो हंड्रेड नेल है तो इसको नील ही लिख दो इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है और फिर मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है और फिर करंट एसेट्स हैं ठीक है ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मेरी सौ की हैं तो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सौ करोड़ फिर करंट एसेट्स की बात करें तो बेटा करंट एसेट्स में बैंक इंक्लूडेड है ना तो पहले मेरे करंट एसेट्स कितने थे तीन सौ चालीस 340 में से 100 करोड़ की मैंने पेमेंट कर दी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो ये 240 पे आ गए और ये जो टोटल बन गया ये कितना बना बेटा 340 ये यहां से मैच कर रहा है ना तो हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई एक बार आंसर देख ले अरे ये क्या खुल गया हाँ जी तो आंसर देख लेते हैं बेटा एक बारी देखो बारह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पचहत्तर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पचहत्तर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक पचहत्तर पचहत्तर इन्होंने अलग अलग एंट्री करी मैंने एक ही एंट्री करी फिर शेयर बाय बैक ओ हो इन्होंने स्टाइल चेंज कर दिया इस एंट्री का बात वही है आ, इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर बाय बैक करा मैंने मैं क्या करता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स करता हूँ ठीक है ना वो वही बात है और इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक करता हूँ वही चीज है और रेवेन्यू रिजर्व टू कैपिटल रिडमशन रिजर्व यहां पे कर दिया इन्होंने और देखो ना इन्होंने यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डायरेक्टली डेबिट कर दिया है क्या किया मैंने प्रीमियम ऑन डेबिट किया फिर उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ करा तो मैंने थोड़ा ज्यादा प्रोसीजरल काम करा है इंस्टीट्यूट वाले कभी कभी अपने आंसर्स में थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं ताकि आपको वो वैरायटी दिखा सके कि क्वेश्चंस ऐसे, ऐसे ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सेपरेट मेथड्स हैं। आपको जो मैं जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं बेटा आप उसी जर्नल एंट्री को फॉलो करके चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए ठीक है बेटा आपको समझ में आना चाहिए क्लियर है अभी बेसिक्स चल रहे हैं बाय बैक ऑफ शेयर के ठीक है ना अभी बहुत कहानी बाकी है इसके अंदर चलो तो ये हमने देख लिया और कैपिटल रिडेम्शन में देखो 80 बैंक में देखो कितना क्रेडिट हुआ है एक बार 25 एक बार 75 तो टोटल 100 करोड़ ही क्रेडिट हुआ है अब आप इनकी बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल में ट्वेंटी और रिजर्व एंड सरप्लस में टू एटी ट्रेड पेबल्स में फोर्टी हमने भी यही किया एसेट्स में देखो तरीके से इन्होंने हमारे जैसे ही लिखा ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में निल है यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 100 है और करंट एसेट्स में 240 हैं हर चीज के नोट्स बनाए हैं तरीके से करना है बेटा जी ठीक है ना क्लियर है ये हमने बड़े अच्छे से क्या सीखा बेसिक्स ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर है अभी काफी पॉइंट्स हैं बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो बाय बैक के आपके हैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर थ्री बेटा मैं होमवर्क में देना चाहता हूं होमवर्क में ठीक है ना होमवर्क करना है इसको आपके इंस्टीट्यूट की किताब की इलस्ट्रेशन नंबर थ्री है बहुत आसान है और इसके अंदर भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री है आप देख लेना प्रॉफिट पे किया है। ठीक है ना इसके अंदर मेजर पॉइंट जो है टेस्ट ऑफ बाय मैंने आपको बताया था ना काफी कंडीशन है तो वो कंडीशंस है उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर अ कंपनी कैन बाय बैक तो वो सब चीजें हमने देखनी है वो अलग से देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पहले आप इसका बेसिक समझ लो ठीक है मैं फिर से आपको वही बात कहूंगा बेटा एडवांस्ड अकाउंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है ना एक ऐसा होता है ना एक चीज आसान होती है वो बोरिंग होती है ये वो नहीं है बोरिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा एक आधा चैप्टर हाँ थोड़ा सा फॉर्मेट वाला हो सकता है जैसे बैंकिंग में आपको एक अलग से बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स याद करने पड़ेंगे कराऊंगा ना मैं याद टेंशन वाली बात क्या है ठीक है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एडवांस अकाउंट्स में बड़ी पॉजिटिविटी से आपने सब्जेक्ट को शुरू करना है बेटा ठीक है ना और ज्यादा पॉजिटिविटी से आपने अपने ग्रुप टू को प्रिपेयर करना है ठीक है आपका टारगेट यही होना चाहिए कि एडवांस अकाउंट्स में बेटा आप 80 अब स्कोर करें मेरे कई स्टूडेंट्स ने 81 90 तक स्कोर किया है इसके अंदर आप भी कर सकते हैं ठीक है बस आपको एक चीज करनी है अपना रजिस्टर अच्छे से बनाना है और मेरी बात ध्यान से सुननी है जो मैं कहता हूं वो समय अनुसार करना है ठीक है बेटा क्लियर है चलो तो आज हमने शुरुआत की हमारे एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट की अब नेक्स्ट क्लास में हम बाय बैक ऑफ शेयर और करेंगे उसका कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में बाय बैक ऑफ शेयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बाय बैक को क्लोज कर देंगे ठीक है बेटा चलो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट